इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। एक्सीडेंट नहीं है राठी, ये हत्या है, कत्ल है, मर्डर है। कातिल है बहुत होशियार। ये कैसा? जले हुए कागज, शायद ये वो सबूत हैं जो कातिल के हाथों में हथकड़ी पहनाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है मिस्टर प्रभात, और ये सच है कि आपकी पत्नी का कत्ल हो चुका है। और हमने आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ आपके घर पर भी फोन किया था और आपके मोबाइल पर भी। आपके घर पर कोई फोन उठा नहीं रहा था और आपका मोबाइल ऑफ था। जी हाँ, वो मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई थी। लेकिन रजनी का कत्ल कौन कर सकता है? आप? हाँ हाँ, वैसे आप थे कहाँ? जी वो मैं अपने एक दोस्त के घर दादा गया हुआ था। बस अभी पहुंचा हूं, पूरे पूरे 2.5 घंटे लगे सर मुझे यहां पहुंचने में। ओ, वैसे आप किसी रिया से शादी करने वाले हैं ना? व्हाट? हमें सब पता है मिस्टर प्रभात, आप रिया नाम की नर्स के साथ शादी करना चाहते हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है, कई लोगों को औलाद की खुशी देने वाली डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव खुद मां नहीं बन सकती थी, लेकिन आपको तो औलाद चाहिए थी। देखिए करण साहब, वो हमारा घरेलू मामला है, इस कत्ल से उस बात का कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है, क्योंकि आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आपकी पत्नी थी। हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि रिया ने उसका कत्ल किया, क्योंकि आपकी पत्नी के जिंदा होते आप दोनों लव बर्ड एक तो हो नहीं सकते थे। हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है डिटेक्टिव, जाइए पूछताछ के साथ सबूत भी इकट्ठे कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। सबूत भी देंगे मिस्टर प्रभात, सबूत भी देंगे। हाँ मनिका, किससे मिलने निकली थी? ओके ओके, हिमांशु शाह। फाइन, इंस्पेक्टर साहब मुझे मेरी वाइफ की डेड बॉडी कब तक मिल जाएगी? पोस्टमार्टम होते ही आपकी पत्नी का पार्थिव शरीर आपको सौंप दिया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट,
कहिए, किससे मिलना है आपको? मिस्टर हिमांशु शाह यही रहते हैं। जी हाँ, आइए। थैंक यू। मैं करण, करण द डिटेक्टिव। अब मुझे मिस्टर हिमांशु से कुछ बात करनी है। जी मिस्टर करण, बताइए क्या काम है आपको? डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव कल रात आपसे मिलने आने वाले थे। जी हाँ, मगर कल रात किसी ने उनका कत्ल कर दिया। वो आपसे मिलने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही किसी ने उन्हें मार दिया। कल रात में उनका इंतजार कर रहा था, जब काफी देर तक वो नहीं आए तो मैंने उन्हें फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फोन लगा नहीं। और फिर मैंने तो यही सोचा कि कोई इमरजेंसी केस में वो बिजी हो गई होंगी। जितनी ही अच्छी डॉक्टर थी वो उतनी ही अच्छी औरत भी थी। लोग कहते थे कि उनके हाथ में जादू है। न जाने कितनी ही औरतें आज उनके इलाज की वजह से माँ होने का सुख हासिल कर पा रही हैं। उनके इलाज से ही लंबे इंतजार के बाद उर्वशी अब माँ बनने वाली है। ओह, मुबारक हो मिसेस शाह। राजन कोरे गांवकर को आप कैसे जानते हैं? जी, राजन मेरा दोस्त था। रात 10 बजे डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव आपसे मिलने आपके घर आने वाले थे, कोई खास वजह? पता नहीं, वो कह रही थी कि ऐसी कोई खास बात है जो मुझे मिलकर ही बताना चाहती थी। फोन पर उन्होंने नहीं बताया कि वो क्यों मिलना चाहती हैं आपसे? नहीं, वो कुछ दुखी और उलझन में लग रही थी। वैसे भी उनके जीवन में दुखी दुख था। मुझे राजन ने बताया था कि डॉक्टर प्रभात का अफेयर उनकी नर्स रिया के साथ था। तो आप रिया को जानते हैं? जी हाँ, राजन ने मुझे एक बार मिलवाया था। ओके, क्या रिया राजन और रजनी का खत्म भी कर सकती थी? साहब, मोहब्बत में तो कोई कुछ भी कर सकता है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, लेकिन इस बार कातिल के नाम के साथ। ओके। करण द डिटेक्टिव। करण द डिटेक्टिव। मोनिका, दोनों कत्ल के तार इस तरह एक साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का कातिल एक ही है, तो कातिल जो भी है वो तो हमारे आसपास ही है, हमारी आंखों के सामने है, लेकिन फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सर, इस कत्ल के पीछे वजह क्या हो सकती है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर रजनी के पति प्रभात ने ये काम कराया, या फिर खुद किया हो? हाँ, ये काम जरूर किसी गरीब इंसान का है, क्योंकि डॉक्टर रजनी हिमांशु से मिलने निकली तो थी, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाई। ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। और मोनिका, जिसने भी उन्हें फोन करके वहां बुलाया था, वो उसे जानती थी, क्योंकि किसी अनजान आदमी के फोन पर कोई ऐसी सुनसान जगह पर नहीं जाता। राइट सर, मगर ऑफिस से निकलने के बाद अगर डॉक्टर रजनी को किसी ने फोन किया था तो इस बात की जानकारी हमें उनके मोबाइल बिल से मिल सकती है। हाँ, मैंने राठी को इसी काम के लिए भेजा। जैन सर। हाँ राठी। हाँ सर, ये रही डॉक्टर रजनी की मोबाइल डिटेल्स। वो रात 9:20 पर अपनी क्लिनिक से निकली थी। उसके बाद उनके नंबर पर सिर्फ एक ही फोन आया था, जो 9:30 किया गया। जाहिर राठी, यही एक फोन होगा। किसका नंबर है? सर, ये किसी पीसीओ का नंबर है जहां से फोन किया गया। तो पीसीओ का एड्रेस पता करो, हमें फौरन वहां जाना चाहिए। उस पीसीओ वाले ने ये जरूर देखा होगा कि रजनी को आखिरी फोन किसने किया था, और एक बार हमें ये पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। ये हमारे बड़े साहब हैं। सलाम साहब। तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कहिए साहब, क्या बात है? हमारा ये पीसीओ कितने बजे तक खुला रहता है? 9:30-10 बजे तक साहब, जब तक कस्टमर होते हैं। तुम यहाँ अकेले होते हो?
मेरा मतलब है कल रात तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पर। नहीं था साहब। कल रात 9:30 बजे तुम्हारे पीसीओ से किसी ने फोन किया था, बता सकते हो किसने किया था फोन? साहब इतने बड़े इलाके में हमारा ही पीसीओ है और काफी लोग फोन करने के लिए आते हैं। अब ये तो ठीक से नहीं बता सकते कि 9:30 बजे किसने फोन किया था। अरे सोचो भैया सोचो, कुछ तो याद आएगा प्लीज। कोई ऐसा आदमी या औरत जो आम आदमी से कुछ अलग दिखता है। सुना है कानून के डंडे से अच्छों अच्छों की भूली हुई याददाश्त वापस आ जाती है। एक मिनट बताता हूँ साहब, एक अजीब सा शख्स आया था साहब कल, उसने अपने पूरे बदन को काले कपड़ों से ढक रखा था। अब यही नहीं मालूम पड़ रहा था कि वो आदमी है या औरत। आवाज कैसी थी उसकी? साहब आवाज बदल के बोलने की कोशिश कर रहा था। नहीं थी था। ओके। वैसे अगर किसी की तस्वीर दिखाई जाए तुम्हें तो बता पाओगे, कोशिश कर पाओगे कि वो था या थी? कोशिश करूंगा साहब। चलो राठी, रजनी की मौत की डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास चलते हैं, रिया के पास। अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे बात करने आएंगे, ठीक है? क्या कह रहे हैं आप? मैं राजन को जानती जरूर थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कत्ल मैंने ही किए हैं। और भला मैं क्यों कत्ल करूंगी? मैं आपके क्लिनिक होके आ रहा हूं, मुझे पता चला है कि आप प्रभात के बच्चे की मां बनने वाले हैं और आप किसी भी हालत में से खोना नहीं चाहते। हाँ हाँ, मगर वैसे भी श्रिया, कल रात आप कहाँ थी? मैं कल रात क्लिनिक में ही थी। मतलब जब डॉक्टर रजनी हिमांशु से मिलने के लिए अपनी क्लिनिक से निकली थी उस वक्त आप क्लिनिक में ही थी, राइट? हाँ, लेकिन जब वो वहाँ से चली गई तो मेरा भी वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं भी वहाँ से निकलकर घर चली गई। पक्के तौर पर आप ये कह सकती हैं कि उसके बाद आप सीधे घर ही आई थी? हाँ घर ही जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी? कहना क्या चाहते हैं आप? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ जाने दीजिए। मैंने सुना है कि कल डॉक्टर रजनी ने आपको थप्पड़ मार दिया था। हाँ, इसीलिए मैंने फैसला किया था कि अब उनके क्लिनिक नहीं जाऊंगी। अब आप जरा मोनिका की तरफ देखिए। जी क्यों, इसका क्या मतलब है? अब शनाख्त के लिए अगर आपको बार बार पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो आपको परेशानी होगी, इसलिए आपकी तस्वीर से काम चला लेंगे। खैर चलते हैं, कहीं मत जाइएगा। ओके हाँ, थैंक यू। इसका घर देख के, इसका रहन सहन देख कर कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक नर्स। मोनिका, इश्क में इंसान ताजमहल भी बना देता है। ये जो कुछ भी तुमने देखा है ना, ये सब डॉक्टर प्रभात की देन है। और अगर रंजी की वजह से इसका साथ प्रभात से छूट जाता तो उसकी ये शान और शौकत भी खत्म हो जाती। हेलो, ये सब ओके ओके, महावीर लैब। ओके थैंक यू डॉक्टर सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का फोन था। रजनी की लाश के पास जो हमें जले हुए पेपर्स मिले थे वो महावीर लैब के केस पेपर्स थे। ग्रेट, राठी तुम महावीर लैब जाओ और पिछले महीने डॉक्टर रजनी के पेशेंट्स के जितने भी टेस्ट हुए थे उन सभी की रिपोर्ट लेके मेरे पास आओ। ओके मोनिका, तुम रिया की तस्वीर लेके उस पीसीओ वाले के पास जाओ और पता करो क्या रिया ही वो औरत है जिसने उसके पीसीओ से फोन किया था। वो डिटेक्टिव यहाँ आया था, मुझसे पूछताछ भी कर रहा था। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुझ पे शक हो। रिलैक्स डार्लिंग। देखो अब बात पूरी तरह से फैल चुकी है, सबको पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। शादी तो करनी है, बस कुछ दिन रुक जाओ, ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए। मैं शाम को आता हूँ और तुमसे बात करता हूँ। बाय बाय। सर। जयंत सर। हाँ राठी जयंत सर, ये रही उन सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट जिनके टेस्ट पिछले एक महीने में डॉक्टर रजनी ने महावीर पैथोलॉजिकल लैब में करवाए।
सर, मैंने भी उस पीसीओ वाले से बात की, उसे रिया का फोटो दिखाया, लेकिन उसने उसे पहचाने से साफ इनकार कर दिया। सर, उसके कहने के मुताबिक उस औरत ने अपने आप को इस कदर ढककर रखा था कि उसकी शक्ल पहचानना नामुमकिन है। क्या बात है सर? मालिका, राठी खादिल से मिलने का वक्त आ गया। मालिका, बोल। हेलो मैडम जी, हम राजन का दोस्त बोल रहा हूं। हाँ हाँ, वही राजन। दरअसल हमने आपको फोन इसलिए किया था कि राजन ने हमारे पास एक रिपोर्ट रखवाई थी। अब वो रिपोर्ट हमारे पास है। हम आपसे मिलना चाहता हूं मैडम जी। आप बताएं कहां मिलना है? अच्छा 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 अच्छा, जी हाँ हम पहुंच जाएंगे। अरे वाह सर, कमाल हो गया। आप तो क्या एक्टिंग करते हैं सर, आपको तो एक्टर होना चाहिए। ये डिटेक्टिव बनके क्या कर रहे हैं? अब क्या करें मालिका, तुम्हारी छत्र छाया के नीचे रहकर एक्टिंग शैक्टिंग सीख रहे हैं। राठी, अब देखते हैं कि मोनिका ने तुम्हें कैसी ट्रेनिंग दी है, तुम कितने अच्छे एक्टर हो। करना कहाँ है सर? वही जो मैं कहूँगा। और जाना कहाँ है? वही जहाँ राजन और डॉक्टर रजनी गए थे। जानते थे तुम जरूर आओगी। मतलब की बात करो, रिपोर्ट्स कहाँ हैं? रिपोर्ट्स नहीं तो तुम्हारी मौत का पैगाम है। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा। कितना पैसा चाहिए? वैसे मैं कोई ज्यादा लालची आदमी नहीं हूँ, इस वक्त जितना लाई हो दे दो, उसी से कान चला लेंगे। तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। चाबी? चाबी कहाँ है? चाबी यहाँ है मिसेज उर्वशी। आपका राज फाश हो चुका है। फंस गए ना आप अपनी इच्छा। चलिए, बाकी की बातें वहीं होंगी जहां पर आपने अपनी बाकी की जिंदगी बितानी है। करण, द डिटेक्टिव। करण, द डिटेक्टिव। सर, इनके पति हिमांशु ने यहां आने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो इनकी सूरत नहीं देखना चाहते। झूठ और फरेब के दम पर कभी कोई खुशी हासिल नहीं होती मिसेस उर्वशी। अपने ही पति को धोखा देकर आपने किसी और के बच्चे की मां बनना चाहा, देख लिया अंजाम क्या हुआ। आज आपके ही पति आपको देखना नहीं चाहते, उन्होंने आपसे हर रिश्ता हर नाता तोड़ लिया। मैं माँ बनना चाहती थी, दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं भी माँ बनूं, लेकिन वक्त गुजरता चला गया
और गुजरते वक्त के साथ साथ मेरी माँ बनने की इच्छा भी बढ़ती चली गई। मेरी माँ बनने की ख्वाहिश एक ऐसी ख्वाहिश बन गई कि जिसे भुलाकर मैं जी भी नहीं सकती थी। और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुमने जूनियर डॉक्टर राजन का सहारा लिया, जो हिमांशु का दोस्त है। हाँ, राजन इन्हीं का ही दोस्त था, शायद इसलिए मैं उसके बहकावे में आ गई। और मेरे और उसके बीच ऐसे रिश्ते कायम हो गए जिसे दुनिया नाजायज कहती है। नाजायज थे, इसलिए दुनिया नाजायज कहती है। हिमांशु भी इस बात को लेकर उलझन में था कि आप अभी तक मां क्यों नहीं बनी। राजन, राजन के कहने पर आपने डॉक्टर रजनी से अपना ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर रजनी ने हिमांशु को भी टेस्ट करना चाहा। और संजो की बात तो यह है कि उसी वक्त आपकी तबीयत खराब हुई और आपको पता चला कि आप मां बनने वाली हैं। लेकिन जब हिमांशु की रिपोर्ट आई तो जाहिर हुआ कि वो पाप नहीं बन सकता। डॉक्टर रजनी, भड़क उठी आप पर कि जब आपके पति बाप नहीं बन सकते तो आप मां कैसे बन सकती हैं। उस वक्त तो आपने डॉक्टर रजनी को हिमांशु से यह राज छुपा के रखने के लिए राजी कर लिया, लेकिन आप जानते थे वो कभी भी यह राज हिमांशु को बता सकते हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, मैं अपने कोख में पल रहे बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, मगर इस सच्चाई राजन को भी पता चल गई कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली, और वो मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगा। राइट। और इसी बात से तंग आकर आखिर आपने राजन को मारने का फैसला कर लिया। आपने उसे महाकाली केव्स में मिलने के लिए बुलाया और बड़े ही फिल्मी स्टाइल में उसे मार डाला। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर रजनी को किसी भी तरह से उनकी जबान बंद रखने के लिए राजी कर लूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे इस पाप में तुम्हारी भागीदार नहीं बन सकती। तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं कि तुम अपने पति के साथ क्या कर रही हो। तुम अपने पति के साथ वही कर रही हो कि सारी बातें सच बता। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, समझी तुम? और जब शाम को डॉक्टर रजनी हिमांशु से मिलने आ रही थी तो आपने उन्हें पीसीओ से फोन करके महाकाली गुफा पे बुलाया और उन्हें मार डाला। डॉक्टर रजनी की गाड़ी में पड़ी हुई हिमांशु की वो रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि वो बाप नहीं बन सकता, आपने वो रिपोर्ट जला दी। रिपोर्ट जलाकर आपने ये सोचा कि आपको इस रिपोर्ट से निजात मिल गई, लेकिन वो चले हुए कागज हमारे लिए अहम सबूत बन गए। और जब हमें पता चला कि वो चले हुए कागज महावीर लैब के, तो सारी कहानी शीशे की तरह साफ साफ हो गई। हाँ, अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए और खुद की इज्जत बचाने के लिए मैंने इन दोनों का कत्ल किया। करण साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जिंदगी मुझे ऐसे दो राहें पे लाकर खड़ा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया करण साहब। अच्छा हुआ जो आपने मेरी पत्नी के कातिल को पकड़ लिया, वरना पूरी जिंदगी ये दुनिया वाले यही समझते कि बच्चे की जान है, मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। शुक्रिया करण साहब। समझ में नहीं आता कि इसे क्या कहे, जुनून या एक मां के औलाद की चाहत। जो भी है, जुर्म है और हर मुजरिम को सजा मिलती है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन, करन।
पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे वक्त को वो थाम ले सब्र से वो काम ले सर जमीन हिंद की वो एक शान है वो एक शान है वो एक शान है बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है करता नहीं कभी जो सालिमों को माफ करन 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 The detective, the detective.